हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो स्टार्ट करते हमारे न्यू ईयर की रीडिंग। हाँ, हमारे न्यू ईयर की रीडिंग 2022 की रीडिंग। एंड जैसे कि 30 साल का फर्स्ट मंथ कैसा जाएगा, करियर के बारे में, हेल्थ के बारे में एंड अपनी लव रीडिंग के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, चलिए जानते हैं कि 10 मंथ कैसा रहने वाला है, जनवरी मंथ हमारा कैसा रहेगा 2022 में, क्या होने वाला है। हमने जो गोल बनाए हैं तो उस गोल के लिए हम आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं बढ़ पाते हैं, क्या रहेगा 10 मंथ, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपको सबको विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ 10 मंथ के लिए। सबसे पहले कि जो हमारी जो जितनी भी चीज़ें हमारी जो बैक चीज़ें जो गई है वो फिर से हमारे पास ना आए, हमारे पास कुछ अच्छी अचीवमेंट आए, अच्छे से न्यू करियर में हमें सक्सेस मिले, हमारी हेल्थ भी ठीक रहे। तो आपके लिए मैं विश करती हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लियो राशि, जो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 10 मंथ कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। थ्री ऑफ पेंटेकल्स कार्ड्स, जैसे कि आप इस साल भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लियो राशि जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनती होती है, तो लियो राशि मुझे 10 मंथ भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, काम को आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, आपके पास जो पैसे है कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे। 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में या फिर खुद के फ्यूचर के बारे में, आगे फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के थोड़े से आप सोच के थोड़े से आगे बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई, कहीं ना कहीं परचेसिंग करते हुए भी नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, जिसके वजह से थोड़े से परचेसिंग ऐसी थोड़े से आप होम ले सकते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए आप शॉप ले सकते हैं, कहीं ना कहीं न्यू जॉब की भी अच्छी सी रिक्वायरमेंट आपको आती हुई दिखाई देंगी, कहीं ना कहीं आपको न्यू जॉब मिलते हुए नज़र आती हुई दिखाई दे रही है, एक न्यू शुरुआत रहेगी। कहीं ना कहीं आप जॉब भी ढूंढते तो थोड़ी सी परेशानी आएंगी, थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, पर काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आती हुई दिखाई दे, जो आपने मेहनत की है वो रंग लाएगी। द फुल का कार्ड, कहीं ना कहीं थोड़े से आप थोड़े ओवर बोलते ना, ओवर एटीट्यूड, ओवर पॉजिटिव होना, ओवर थोड़े से कुछ चीज़ ऐसे आप कर रहे हैं, जैसे कि बातें की तरफ ओवरनेस, कुछ टॉकिंग आपकी ओवरनेस, जो आप बिंदास तरीके से कर रहे हैं, आपको लगता है कि बस आप ही है और आपके अलावा कोई और नहीं है, तो ये जो चीज़ें थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो चीज़ें आपको घर वालों से दूर करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं नाइन ऑफ पेंटेकल्स कार्ड जैसे कि आपको थोड़े से फैमिली से दूर कर सकता है, आपकी एनर्जी पूरी ओवरऑल बोलते हैं ना कि पूरी थोड़ी सी ड्राइनेस हो जाएगी, आपके पास रहेगा सब कुछ पर आपको होते हुए भी ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ आपकी आपके पास अवेलेबल नहीं है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के इंक्लूड की वजह से थोड़े से घर पे या फिर फैमिली में थोड़े से हताश चीज़ें हो सकती है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, थोड़ी सी परेशानी आ सकती है जिसके वजह से आपको लगेगा कि क्या करें क्या ना करें, पर जैसे कि आप अपने लव कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा सुधारते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप में जो लड़ाई है, जो भी बातें हैं, जो कुछ भी थोड़ी सी परेशानी है, उससे थोड़ा सा मूव ऑन करके आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी पार्टनर की फीलिंग को समझ के आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से इन्जॉय करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं आप अपने लव कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं एक अच्छी सी कम्युनिकेशन नज़र आते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हुए उनके साथ एंगेजमेंट की बात घर पे बात बताते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ फाइनली मतलब ना फाइनली जो एक्शन लेना है वो आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से घर पे रुकावटें हो सकती है, थोड़े से घर पे थोड़े से टकराव भी हो जाए कि आप अपने पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर के साथ आपको थोड़े से घर वाले माने ना, थोड़ी सी ये वाली कंडीशन नज़र आती हुई दिखाई दे रही, थोड़ी सी घर पे थोड़ी सी आपको मनाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये कंडीशन हो सकती है। कहीं ना कहीं द हाई प्रिंसेस आते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं आपके लिए, आपके साथ आपका गॉड, आपके साथ आपके भगवान, आपके साथ मुझे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, जिसके वजह से आपकी जो बात है वो काफ़ी अच्छे से होते हुए दिखाई दे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको चीट करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे बिज़नेस के थ्रू, या फिर कहीं ना कहीं आपके काम के थ्रू आपको कोई ना कोई चिट करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, जिसके वजह से आप थोड़े से ऐसे लगेगा कि आपको आपकी फीलिंग जो है, हिडन फीलिंग जो है, किसको क्या बताएं, किसको बताएं या नया बताएं, ये थोड़ी सी एनर्जी आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करेंगे आपके काम के लिए, आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं
आप उनको समझाएंगे कि मैं ऐसे चीज़ों में थोड़े फंस चुका हूँ तो मैं उनसे क्या करूँ क्या ना करूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको थोड़े से कोर्ट में जाके थोड़े से फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशन है, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी में थोड़े से चक्कर लगाने पड़ सकते हैं दिस मंथ में। तो ये थोड़ी सी कंडीशन आती हुई नज़र आती हुई दिखाई दे, कहीं ना कहीं आपको एक लॉयर की ज़रूरत पड़ सकती है कि आपके काम को लेके, या फिर आपको जो इंसान जो चीट कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, उसके लिए आपको थोड़ी सी कोर्ट कचहरी में जाके थोड़ा सा लॉ से एडवाइस लेनी ज़रूरी पड़ सकती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। आप सभी को फिर से मेरी ओर से विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहे। ब्लेसिंग करती हूँ आपकी करियर, आपकी लव लाइफ, आपके बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहे। और मेरी रीडिंग आपका अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।